फूड टैंकर्स। तो आज हम आ गए एक और नई वीडियो के साथ जो है हैशटैग लेम फूड गेम। तो एक और गेम खेलेंगे आज हम। अनिकेत रेडी है? तैयार है तुम हारने के लिए? ये मैंने फोन ही मारना तेरे मुंह पे। तो आज नहीं हारूंगा इस बार। तो हम लास्ट गेम लास्ट सारी वीडियो जो हमारी है हैशटैग लेम फूड गेम की वो डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाके देखो। उसके बाद आज हम थर्ड गेम खेल रहे हैं जिसमें आज हम 500 रुपए फिर से लगा रहे हैं। ठीक है, इस गेम में हमने वही कुछ अनयूजुअल सी कुछ यूनिक सी डिशेस चुनी है, सुने लिखे हैं वो इसने कुछ चुने मैंने भी कुछ चुने। उसको हमें बताना है, गेस करना है कि नाम के अकॉर्डिंग वो किस ओरिजिन का है और वो प्लस स्नैक है डेजर्ट है या फिर और उसका साथ में मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, क्या क्या हो सकते हैं। ये तीन चीजें जिसने बिल्कुल सही बताई उसके वो 50 रुपीज उसके। ठीक है, और 50 रुपीज के हिसाब से बांटे वो बताने की जरूरत नहीं है, आपने पता ही होगा। 500 रुपए का गेम है, 10 चीजें हैं, 50 रुपए हर एक चीज के। और एक रूल और, अगर आपने तीनों चीजें बताई तो ही पैसे मिलेंगे वरना अंडा। ठीक है, तो चलो तो आ गए हम अपने कुछ के साथ और इस कुछ में स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मैं इसको एक डिश बताऊंगी जैसे दाल ढोकले। ठीक है, इसको बताने की वो डिश कहाँ की है, ये कहाँ फेमस है, कहाँ फेमस है। ठीक है, सेकंड वो नमकीन है या फिर मीठे में खाया जाता है, मतलब या डेजर्ट में खाया जाता है, नॉर्मल वो वाला। और थर्ड की उसमें क्या मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो किस चीज से बना, दाल और बेसन है मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दाल ढोकली, इसीलिए ये बताएगा ऐसे छोटे तीन चीज। तो फर्स्ट मैं जो तुमको चीज दे रही हूँ टाइम में स्टार्ट करी हूँ अभी, और सीरियसली टाइम से नहीं बात करना है। नहीं नहीं अभी टाइम स्टार्ट कर रही हूँ और फिर उसके बाद 30 सेकंड्स मिलेंगे इसको उस चीज को बताने के लिए। तो टाइम दिखा है, दिखा है, दिखा है। टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, तो डिश है पंटुआ। पंटुआ पंटुआ पी ए एन टी यू ए पंटुआ पंटुआ यार पंटुआ बिहार में तो खाया जाता है। 28, 29, 30 कोई स्वीट है, कोई स्वीट है नहीं। पंटुआ एक डिश है वैसे वेस्ट बंगाल में फेमस है, बट वो मतलब ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल बट बिहार में फेमस है। गुलाब जामुन को बोलते हैं पंटुआ। गुलाब जामुन काले वाले मोटे वाले गोले वाले। नेक्स्ट आप तो फिर से फटाफट मुझसे पूछ। तो मैं तो जरा अपना मैंने बहुत रिसर्च की, इनको क्या ही पता है। ओके ओके, तो मैं पहली चीज पूछ रहा हूँ, देखना नहीं है। टाइम स्टार्ट करो। ओके टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम स्टार्ट। सिंगड़ी की सब्जी। सिंगड़ी की सब्जी देख, पहला नमकीन होगा फॉर श्योर। यार मतलब मीठा तो नहीं होगा ना। सिंगड़ी की सब्जी है तो वो मीठा क्यों होगा? ओरिजिन बट सिंगड़ी ना मेरे ख्याल से कोई वो है वेजिटेबल है जो पता नहीं पता नहीं। सब्जी का मतलब वेजिटेबल होता है। टाइम सिंगड़ी सब्जी एज अ डेजर्ट यूज होती है, सब्जी यूज होती है एज अ और सिंगड़ी सिंगड़ी इज जस्ट लाइक लुकिंग लाइक बीन, लंबी लंबी सी होती है ब्राउन से कलर की, उसे सुखाया जाता है और फिर बनाया जाता है। और ये बनती है अपने पड़ोसी राज्य में जो कि सिंगड़ी खाते हो तो सिंगड़ी बताना मेरे को, हमें तो भी मैं भी खाऊंगी सिंगड़ी। चलो नेक्स्ट आगे थर्ड। ठीक है मैं पूछती हूँ तुझसे या नो बता मुझे ना, एक सेकेंड मुझे देखना है पहले। ठीक है ओके ओके 1 2 3 टाइम स्टार्ट नाउ। पिठा 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 गाली दे रही है मेरे को। पिठा पिठा
पिट्ठा इसको मेन राजस्थान नहीं पिट्ठा कुछ आटे वाटे का वगैरह कहीं होता है हाँ, पिट्ठी टाइप हाँ, ऑल टाइम सब एक एक चीज हो रही है। पिट्ठा जो होता है वो वेस्ट बंगाल में झारखंड वगैरह में ज्यादा खाया जाता है हाँ, और वो ना डम्पलिंग टाइप होती है आटे की बनती है इसको ये वैसे स्वीटिश होती है हाँ, और ये स्टीम होती है वो डम्पलिंग टाइप होती है और उसमें अंदर तुम मीठे की वो भर वो कुछ अंदर भरती है मीठे की स्टफिंग होती है। ठीक है तो नेक्स्ट स्टार्ट करें जी के बढ़ रही है ओके तो मैंने जो रिसर्च करी मैं रिसर्च पे खोल लेता हूँ बैंगनी चौक मैं बता देती हूँ बैंगनी चौक बैंगन इज अ मेन इंग्रेडिएंट स्नैक ऑब्वियसली मीठा बैंगन तो नहीं खाएगा कोई भी और ठीक है तो मेन इंग्रेडिएंट भी बता दिया मैंने तेरे को और रूल इज रूल एक सेकंड क्या रहेगा ओरिजिन रहेगा ना बस ओरिजिन रहेगा ना बस ओरिजिन रुक जा यार मत तभी से मत कर ओरिजिन भाई मैं सही है ना मेरे वैसे सारी चीजें सही है बट आप ओरिजिन तो आप बोल ही नहीं पाए मतलब इतनी देर से झारखंड झारखंड करे जा रही है लेकिन झारखंड बिहार झारखंड बिहार झारखंड भी बोला गया इससे यार हद है यार। तो बैंगनी का चौप क्या होता है बैंगनी का चौप मतलब बेसन से बना होता है बैंगन का बेसन जैसे आप पकौड़े वकोड़े खाते हैं ना आप बेसिकली बैंगन का पकौड़ा टाइप होता है बेसन जैसे आप आलू के पकौड़े खाते हैं बेसन में लपेट के खाते हैं चाय पकौड़े यहाँ देखा जरूर होगा हमारे शादी में तो पकौड़े वाली शॉप नहीं जैन पकौड़ा वाली बिल्कुल सर्कल रोड पे उस पे था शायद बैंगन का ओके तो नेक्स्ट है हो सकता है पता हो हाँ तो नेक्स्ट है ताहरी 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 का पुलाव कहते हैं ओरिजिन बता यार अपना ओरिजिन यार उत्तर प्रदेश सब जगह खाया जाता है उत्तर प्रदेश और चावल चावलों से बनता है मेन इंग्रेडिएंट चावल नमकीन चावल पुलाव तेरे घर में आए दिन बनते रहते हैं तो चल तूने मेरे से इजी पूछा तो मैं भी तेरे से इजी देता हूँ मैं अपना रिसर्च पेपर खोलता हूँ रिसर्च पेपर घंटा रिसर्च नहीं करते तुम ये मेरा रिसर्च पेपर फेमस होने वाला है तू देख लो यार तू देख ओके चलो पता होगा ऐसे देखो मैंने भी एक बार कॉपी में नहीं मैं लिखा मैंने कॉपी मारनी है क्यों पूरन पोली पूरन पोली महाराष्ट्र की डिश है और वो मीठी होती है और ना ये उससे वो कुछ पूरी टाइप होती है आटे की और उसमें गुड़ और ये सब होता है पचास रूपए रखे चलो दे दो ठीक है 1, 2, 3 स्टार्ट लास्ट लास्ट मतलब फोर्थ है ना ये लास्ट मतलब लास्ट जिसका नाम है नहीं फोर्थ लास्ट फोर्थ सेकंड लास्ट हाँ ओके तो व्हाट डू आर यू रेडी शट अप चलो तो नेक्स्ट है ठेकुआ ठेकुआ ये ठेकुआ 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 बिहार से छठ पूजा में सुनते रहते हैं ठेकुआ बिहारी मतलब बिहार से बहुत फेमस डिश है बिहार की नेपाल वगैरह में मैंने पढ़ा इसके बारे में मैंने एक बार मैं जो मैं ढूंढ रहा था ना तो ये आया था अब
अब कैसे भी आए, अभी 3 सेकंड रह गए, तू जल्दी बता, वो बिहार से है क्या, गुड़ वगैरह से रोटी जो रोटी बनती मोटी सी, यार यार भूलिए टाइम चल रहा था यार, मैं भूलिए टाइम चल रहा था, सच में भूलिया यार। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना, अरे भाई भाई भाई, चलो नेक्स्ट। ओके तो मैं अपना रिसर्च फिर से यार, मैंने नहीं बोला जो मैं बोलना चाह रहा था। नो ओके आलू वड़ी या फिर उसे पात्रा भी कहते हैं। पात्रा सुन मैं बताती हूँ, जो फोटो में देखा तूने, हम बचपन में भी देखते थे उसको, पात्रा ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, इतना ग्रीन कलर का होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और मेरे ख्याल से वो गुजराती होती है कलर। यार होता ग्रीन कलर का तो कंसिडर कर ले यार, ग्रीन कलर का होता है पालक से बनता है। गलत। पालक। टाइम्स अप। 3 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेगा इस लड़की को। पालक नहीं तो बनेगा ग्रीन कलर का। अरबी यानी कि घुइया। घुइया। उसके पत्तों से बनता है आलू बड़ी या पात्रा जिसे बोलते हैं। एंड इट इज फेमस इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की तो गुजरात की लुच्ची होता है वो, तो खाई तो फेमस तो वहाँ की डिश है ना, तो ओरिजिनल है। एक बात बताइए तू, नहीं सब पढ़ा है ना ये तू, यार ये तू, ये देखो मेरे से सवाल कर रही हो, मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, मेरा टाइम वेस्ट करा जा रहा है, मैं सही बोल रहा था एकदम। अब बता जल्दी बता, 10 सेकंड रह गए। 10 सेकंड रह गए। लुचाई उसे कहते हैं, और इस मतलब रोटी टाइप्स होती है, पूरी टाइप्स होती है, मैदा की बनी बहुत पतली सी होती है, मैदा ऑल होता है। टाइम्स अप। बता दे, सही बताया, तीनों चीजें सही बता दी यार। एक मिनट, एक सेकंड, ये चीटिंग हो रही है, जब मैंने ढूंढा, इसने भी ढूंढा, और हमने सेम ब्लॉग वो खोला, तूने सब पढ़ लिया। तो मेरी क्या इसमें, मेरी क्या गलती है, तू पढ़ ले दी। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। ऐसा कुछ थोड़ी होता है, डिस्टर्ब कर रहा है, मैं मालूम बड़ा पाव जैसा होता है दाबेली, हाँ बंद होते हैं उसके अंदर, और ये ना महाराष्ट्र जैसे बड़ा पाव होता है ना, ये गुजरात का होता है, उसके अंदर ना सब कुछ अंदर टिक्की रखते हैं आलू की, और उसमें फिर सेव और फलाना और वो ढिमकाना वो रखते हैं, सिर्फ बर्गर टाइप होता है। मैंने उसकी वीडियो देखी दाबेली, क्योंकि मैं जब हम गुजराती खाना बना खाना खाते थे तो मैंने गुजराती में दाबेली भी देखा था। अरे टाइम जोन से पहले ही, टाइम जोन से पहले ही बना दिया, लेकिन फिर भी आपको हार मिलती है। क्यों? मैंने मैंने बताया है, एक सेकंड, आपको हार मिलती है। अच्छा, हाँ, से आपको हार मिलती है, और इस चैलेंज का विनर हूँ मैं। चलो चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियो। Like, जरवान लड़का रही हारने के बाद। Like, share and subscribe to our channel. Thank you. Bye bye.